युद्ध का पार्षदा नहीं जगह आपस में लड़के दो गुट हो रहे आगा वह तो कांग्रेस हुआ न बीजेपी हुआ में कोई को बारी खंडो होने दियो को नहीं। मोदी जी अगर मोदी जी में होता तो हिंदुस्तान को पत्तो साफ हो जातो। राम राम समान थरदेसी पत्रकार मनोज थे देख रहे हो जिलको चूरू। चुनावी यात्रा है अपनी वह लगातार जारी है और बैंक तपा सरदार शहर में पहुंचा। जानने की कोशिश करा कौन सा वार्ड है के माहौल है। टोटल है 55 वार्ड है। पहली गो बीजेपी को कार्यकाल रेडो है और अब मौजूदा वक्त में के सिस्टम चालू हो क्या पर राजनीति किया क्या अभी रहेगी वो आना टाइम बताओ। बाकी वर्ल्ड है बम जानने की कोशिश करांग का वोटर फिलहाल के माहौल है। बाकी चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना था सब्सक्राइब बटन वाले साथ ही साथ बेल भी दबा लो ताकि आगे जो वीडियो नोटिफिकेशन थाने मिल जाए। अमेरिका जैसा देश है ना उससे बढ़िया हमारा हिंदुस्तान देश है। मोदी जी है जब भी देश बनता है नहीं कोई देश नहीं बचता आज तक ये आप पता है। सुजानगढ़ में गए कल बैठे हो जी ट्रंप ने घटा गोली खोई भी मोदी को ना ना नहीं खाएगा ये नहीं है कोई कभी नहीं होगा। अब देश भगत है मोदी जी के पीछे मार मोदी जी है। मोदी जी एक से शुरू हुआ था हमारा देश विपक्ष के अरे विपक्ष के अंदर मोदी जी की मतलब लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष में बैठते थे आज हिंदुस्तान में राज करते हैं। कांग्रेस का सपाया हो गया। कांग्रेस का 60 साल राज किया हिंदुस्तान को पीछे घेर दिया किसी को रोटी नहीं मिली खाने के लिए। आडवाणी जी ने घेर दिया पीछे आडवाणी उम्र दराज हो गए। आडवाणी जी मुरली मनोहर जोशी राजनाथ सिंह मोदी जी ये देश को सबसे आगे ले रे आगे लेंगे। अरे कहां था 400 वर्ष पुराना मंदिर इसने मंदिर करवाया है। कहां कश्मीर की धारा मोदी जी ने करवाई है। पूरे दुनिया के माँ सेना बढ़िया देश हो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका इंग्लैंड न्यूजीलैंड सब और जब कोरोना काल चले बंगा आकाश में हाथ छूट गया और बैठे लाखों की संख्या मर गया और हिंदुस्तान में कोई को बारी खंडो होने दियो को नहीं। मैं हाथ फैलाया को हमारे देश ने बचाओ तो उठे हवाज पलेना भर भर के और जे कोई बाहर विदेश में दुआई भेजी है इस वास्ते मोदी जी को पूरे बुक में नाम आ गया। कोई ऐसा प्रधानमंत्री हमने कहीं देखा भी नहीं है। कौन से बढ़िया क्या होगा जनता ने जिंदगी राख दी। अगर मोदी जी नहीं होता तो हिंदुस्तान को पत्तो साफ हो जातो। क्या अब प्रेजेंट टाइम में जहाँ चुनाव आ रहे हैं क्या चल रही है चुनाव माहौल एकदम तेज गर्मी हो रही है पूरी एकदम माहौल में कैंडिडेट सब में है तनातनी एकदम खिंसाव का चुनाव हो रहे हैं। अच्छा पीछे को कार्यकाल क्यों रेड है पीछे बीजेपी को रेड है बोर्ड और विकास नाम को कोई काम को नहीं रेडो। अब कल क्या लगे अब कांग्रेस को वोट बन सी ये कारण है कि अब कल कांग्रेस पर कारण लोग विश्वास कांग्रेस पर करने लगे। एक तो मोदी सरकार हूँ दुखी हो गया मोदी करता बैठा है गया क्योंकि आम जनता ने मतलब हर चीज में पेट्रोल महंगो खान को मिट्टो तेल महंगो डीजल पेट्रोल महंगो हो गैस सिलेंडर महंगो हो 750 रुपया सिलेंडर लोकल कोई काम को नहीं हुआ। पेट्रोल थे बात कर ली तो कांग्रेस हर केसेस तो करे क्योंकि कांग्रेस की टाइम के मायने तो पेट्रोल 70 रुपये 1 रुपये बढ़ तो भी टाइम में बीजेपी और आंदोलन करने लग जाता आज कोई बोल रही को नहीं तो रोड़ो कांग्रेस में बीजेपी में थड़ी है रोड़ो कांग्रेस कमजोर होगी एकदम सीटा को निभा बढ़ा करे के विपक्ष कमजोर होगी मेन बात है। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो ऐसे गुंडा टाइप का है मैं बताऊँ बदमाश टाइप का आप बोल के दमक नहीं करता। सीएम हमारा कांग्रेस का है तो चेयरमैन ही ज्यादा चलेगी कि सीएम की भाई साहब चेयरमैन की ज्यादा चलती है की ज्यादा चले लोकल काम तो सब चेयरमैन की लोकल गवर्नमेंट ही करती है। एमएलए की 10-20 सड़क ले रही चेयरमैन इसके लिए समुदाय भवन का 20 साल बंद करा दिया इसके लिए मोहल्ला जो काम है रुपया ले रही नगर पालिका प्रशासन नगर पालिका है नगर पालिका रोक बैठ जा काम कौन करवाओ तो खुद का पार्षदा नहीं जगह आपस में लड़के दो गुट हो रहे आगा तो अट तो काम तो काम नाम की चीज तो कोई अट हो ही कोनी नहीं सरदार सरगमा अतो जो आंको खुद की जगह पार्षदा आधा दो गुटा मंटेड़ा काम नाम की चीज अटकी हो ही कोनी लोकल गवर्नमेंट इज की नए के बराबर वो भी पड़े हुई है नगर पालिका में पड़े बोलाजी रुपया लेना गाड़ू है बस रुपया ले दिया नगर पालिका ने जमा करा दिया प्रशासन लेके बैठ गया भाई क्या हुआ है काम में लगाए तो है। अच्छा एक दिन टिकट अब दी है तो दोनों पार्टी है वहां मैंने रस्सा कसी चाली है खत्म निर्दलीय भी चुनाव में उतर गया बहुत सा लोग अच्छी अठे भी है देखने की हाँ जरूर है बिल्कुल है निर्दलीय पार्षद ज्यादा है कांग्रेस में कम है फूल ऊपर वादे सजा आज कोई कह राजेंद्र राठौड़ को फोन आ गयो कोई कह राम सिंह जी को आ गयो कोई सतीश पूनिया को आ गया कोई प्रकोष्ठ का अध्यक्ष को आ जा खाली बीजेपी रहेगा कांग्रेस का फोन को नहीं आगे कांग्रेस नहीं कांग्रेस के मैंने बीजेपी में तो ऑपरेशन नहीं
और कांग्रेस में हुए जो समझ लगे मोमडन वार्ड है बड़े पांच पांच सात सात दस दस खड़े दावेदार हो गया। अच्छा बाप परेशानी हो रही है बीजेपी का, परेशानी होगी ऊपर को दबाव और बांके बाप परेशानी होगी उत्तर भी कौन सके, दोनों पार्टी उत्तर भी कौन सके। अच्छा उत्तरी को नहीं, उत्तर भी कौन सके। विश्वास है पानी को भराव है, दो इंच पानी आजा नहीं जब पांच चार अंगल पानी आजा पूरा बाजार भरी जा गंगा सिर हो एकदम न तो कांग्रेस हुआ न बीजेपी हुआ है। पांच मोमडन है तो पांचों मोमडन ही है। हम एक आज कांग्रेस की जीत ले सीट प्लस आएगी इस वार्ड मेंबर के चुनाव के अंदर। चेयरमैन का दावेदार फिलहाल में प्रेजेंट में जहाँ दोनों पार्टियां कौन कौन मुख्य रूप में मानक बाटी कोई कांग्रेस में दस एक है। अच्छा कांग्रेस में चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे जिनका भी लड़ रहे बीजेपी में कोई नहीं तारा हो गया बीजेपी में तेरा कांग्रेस ही 11 आया और बीजेपी को बढ़ाओ क्यों मैं मधुसूदन पैदा हो गया एक जब आज बीजेपी को आ गया जो ये मैं देखो कितना मधुसूदन पैदा हुआ है। बहुत जोराम चाल रही है देख ले बीजेपी ने जिता रहा नहीं क्यों क्योंकि काम की चीज है बारा बार है बाद में बार ये बाद में भी है। सगला मुद्दा सही है किसी में गलत को नहीं सेम वार्ड में बराबर बीजेपी काम करी है पांच साल वार्ड में मतलब चेयरमैन पोस्ट पर चेयरमैन रह गई है बोल्ड बीजेपी को रेड है दस यहाँ पर थे उतारे ही कोई कैंडिडेट ही दस यहाँ पर तो ले ही कौन टिकट भी इलाका का बीजेपी कमजोर होगी नहीं बैठे कमजोर को नहीं बड़ा निर्दलीय लड़ रहे हैं मारो फूल बीजेपी को समर्थन है बन लिया होगा थे तो बात है बीजेपी का जोड़ लिया अपना समर्थन है और बड़े सर्वे अपनों का जोड़ है बड़े निर्दलीय जगह विजय होसी बड़े कांग्रेस कांग्रेस को की कोनी हरी साजिश सुन बेटा इवन है साजिश कोनी साहब समर्थन है की बांको जगह निर्दलीय कैंडिडेट उतारे ना बड़े बांको मतलब बढ़िया ग्राउंड है कांग्रेस और बीजेपी से दोनों से बढ़िया बांको ग्राउंड है जगह निर्दलीय प्रत्याशी उतरे ना बागो बीजेपी ने अच्छा विकास किया है कोई विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है इसलिए भी ये लोग बीजेपी पानी होता है या बारिश होता है पानी बढ़ जाए बताओ शहर में नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कह रहे हैं मैं नहीं, ऐसे कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है पानी कौन नहीं नहीं नहीं, नहीं बरता ऐसी डेली बार में जे जो दो आंगल होता है बाजार में बहुत जुटी है पहली होने तुरंत सुनाई हो बाबा आज से पहली जगह रोड कोनी के जगह पा गांधी बिंदिया मंदिर रोड है जगह घूम सकर कन जावे गिनोनी पहली से टूटेड़ी जगह अब बीजेपी के राज के मायने पांच साल के मायने बिगिनानी को बढ़िया विकास हो बट रोड भी बनी है बटे से जितनी गंदगी अभी घटे ही कोनी तो सो बड़ी सरदार से समस्या भाई बिगिनानी की बा सोल्यूशन होगी बीजेपी के राज में आज भी कौन सी समस्या है जी की जहाँ रेडी है सरदार शहर के अंदर समस्या तो देखो साहब चलती रहा ऐसी कोई बात को नहीं काम कर कई रोड टूटी है मांगो विकास हो सी शिवर लाइन है और है खाद्य सामग्री है कोई और है बीपीएल वापीएल गरीबन कोई कणक मेरे पास सब कार्य सिद्ध हो सी सबका अठे पानी की समस्या ही बिन खातर बीजेपी की अठे जी गवर्नमेंट है बा एक 200 करोड़ को प्रोजेक्ट ले ही है आरयूडीपी है बिंगो नाम बिसके उसी का जितो भी नालियों को पानी है वो फिल्टर होके कृषि योग्य बनाए जैसे बिंगा प्रोजेक्ट चल रहा थे भी देखो लोग खटन खटे तो बा समस्या जी घंटा करा लिया बा दूर हो जैसी दूसरो बीजेपी आज रहोगा मारा मोहल्ला में कम से कम 200 लोग आए जी बीड़ू लकड़ी ला के बालती बन खतरो ही हो भीड़ में जानो कोई सांप कोई रोखा जाए बन सगड़ा ने फ्री में सिलेंडर दिला दिया हमें 20 रुपया दिलाया 20 रुपया का मैंने भरेड़ो सिलेंडर भाव कर भरा दिया सब्सिडी बंद कर दी थी आजकल तो सब्सिडी तो कम होगी बंद कर दी कौन कहे को नहीं सब्सिडी आवे झूठ थोड़ी बोला सब्सिडी आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो सब्सिडी तो आती है अनपहली बूथ बताओ भाई जी 9 रुपया कितने पैसा है बताओ के करा सब्सिडी आ रही है बा माता बहनों ने बुझो जगह लकड़ियां गेल छूट गई लुगाया है पहली बे कचरो की है रोड पर गेला जाती बारे अब घर घर टेंपो आवे गेट खोलियो तुरंत कचरो गेर दियो वो कोनी के कुंडो चक लियो पढ़ी लिखी और तो कितनी तकड़ी ग्रेजुएट और तो पहली जाना पड़तो कुंडो लेके रखटे किलोमीटर 6-6 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर दूर जाके कचरो गेरना पड़तो अब बात गोनी के समारे 6-6 किलोमीटर जाई गयो है जानो पड़तो साबे कोई का घर का के कचरो कौन गेरन दे कोई बाड़ा होता और किलोमीटर बड़ा जेवे जी 6-6 किलोमीटर का पानी लेने घड़ा लेके लुगाए टांटे को जाती आज कोई कौन सा घर में नहीं आवांगे 70 साल में तो विकास नहीं हुआ 15 साल में हुआ है अगर दो बार हो रहा है ना मोदी जी तो बहुत विकास होगा ऐसे कुछ नहीं है विकास की पार्टी विकास हो रहा है वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है टिकट किसको देनी है हमने भी टिकट मांगी थी मेरे को नहीं मिली मैं महावीर जी के साथ हो गया हमारा बस एक ही है मकसद फूल को जिताना आना टाइम बताओगे कौन है वो चेयरमैन बैठे बीजेपी को बैठे
या कांग्रेस को बैठे और दावा आप आपका दोनों ही पार्टी का है। जय चुरू, जय राजस्थान, जय हिंद।